क्या मामला है आपका? किस बात पर नारेबाजी कर रहे हैं? किस बात पर नारेबाजी की जा रही है? नारेबाजी सर, हमारी ग्राम पंचायत चूली में छारा गांव के अंदर 171 अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। वो उच्च मापदंड के अनुसार ठेकेदार उस कार्य को नहीं किया जा कर रहा है और उसकी गाइडलाइन व ड्रॉइंग के अनुसार कार्य करने के लिए ठेकेदार को कई बार अवगत कराया है। उसमें वो तानाशाही व मनमानी शासन करके गांव वालों को इस तरीके से धमकाया जा रहा है कि आप अगर काम में किसी भी तरीके की बाधा डालेंगे तो आपके मुकदमा FIR दर्ज हो जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि वो मापदंड के अनुसार बिल्कुल गलत है और ठेकेदार से बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वो कार्य को ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसकी हमने रेलवे उच्चाधिकारी को भी इसका ज्ञापन दे चुके हैं, SDM साहब को भी ज्ञापन दे दिया है और तहसील में भी दे दिया है, जिसकी सारी प्रतिलिपि हमारे पास में एक एक अटेस्टेड रखी हुई है, वो अवगत करा चुके हैं। मामला क्या है आपका? किस मामला ये है कि वो अंडर पास बन रहा है, उसको उच्च मापदंड के अनुसार लंबाई में चौड़ाई से नहीं बनाया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में गांव वालों के लिए वो काफी नुकसानदायक होगा, वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उसकी ड्राइंग के अनुसार जो उसने बनाया है उसकी उच्च अधिकारी को दिखाने के बावजूद भी उसमें इस तरीके की टेपर में ऊंचाई दे दी गई है, उसमें लोडिंग वाहन बिल्कुल आगमन नहीं हो पाएगा। क्या रेलवे अधिकारी को ज्ञापन दिया आपने? रेलवे अधिकारी को ज्ञापन दिया, IN साहब को और XN साहब को, दोनों को रेलवे उच्च अधिकारी को दे चुके हैं और रेल मंत्री के लिए भी हमने ज्ञापन उसके द्वारा पोस्ट के द्वारा भेज दिया गया है, ज्ञापन देके DRM साहब को भी, DRM साहब के नाम भी ज्ञापन दे दिया है और उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ठेकेदार का कार्य प्रगति पर जारी है। रेलवे अधिकारियों ने क्या कहा आपसे? रेलवे अधिकारियों ने ये कहा है कि हम इसकी जानकारी लेके और ठीक कराने का प्रयास करेंगे, जो अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई है। सर, रेल अधिकारी ने हमारे को फुटबॉल बना रखा है, तहसीलदार साहब के पास ठेकेदार के कहने की अनुमति है। ठेकेदार से जब बात की जाती है तो ठेकेदार ये कहता है कि मेरी मापदंड के अनुसार ठीक कार्य कर दिया है, आप इसकी जांच करो, और वो मानता कुछ चीज में है नहीं है, उसका मेरा काम पूर्ण हो चुका है, थोड़ा बोली इसमें कुछ हो सकता है। सर, हम 15 दिन से घूम रहे, पहले पोल था उसको हमने हमारे सरपंच सामने हटवाया ग्राम पंचायत ने, उसके बावजूद भी सर हमने जगह उनको मुहैया कराई है, सरपंच साहब ने तहसील में आके टीम गठित करवाई है और वहाँ पे टीम गई है, उनको पूर्ण जगह की वो बोली है। अगर कोई आपसे बाधा रहता है आपके काम में तो सरपंच साहब को फोन करो, तहसील में फोन करो, आपको जगह पर्याप्त मिलेगी, आप पूर्ण तरीके से सही तरीके से मापदंडों के अनुसार बनाओ। उसके बावजूद भी सर उनने ऐसा कुछ किसी की नहीं सुनी है, अनलीगल तरीके से काम करा, उन्हें घुमा दे दिया 90 डिग्री का, फिर घुमा 90 डिग्री का, उसके बाद में टेपर चढ़ाई। ओवरलोड हम किसानों का काम है सर, और यहाँ पे कूड़े के और चारे का भूसा आता है तो ओवरलोड हट जाएंगे और बैग आएगी ट्रॉली तो सर पीछे कोई भी अगर बच्चा है और जानवर आते हैं सर तो दुर्घटना की संभावना हमेशा के लिए रहेगी। ये आजीवन लाइफ टाइम का काम है सर, कई बार कहने पर उन्हें वो दादागिरी पाता है और हमको धमकाता है GRP में अंदर करवा देंगे, जीवन भर तुम कोर्ट कचहरी में उड़ते रहोगे, इस प्रकार की धमकी देता है, जो सर बहुत से आदमी बेचारे डर जाते और निर्माण कार्य को हमारे पास वीडियो सर, हमने उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर दिया, उनके कई बार रिक्वेस्ट करी है, उनने हमारी बिल्कुल नहीं माननी है और उनका काम जारी रहा, अब भी जारी है सर, हम मना करके आए और अधिकारी से आज अधिकारी ने बोली हम आएंगे, अधिकारी नहीं आते हैं और वो काम उनसे बोलते हैं तुम तो जल्दी जल्दी खींचो और उन्हें काम 95% काम दादागिरी से कर दिया आप सर। अब क्या ज्ञापन किसे दे रहे हैं आप? सर ज्ञापन SDM साहब को ज्ञापन देने आए सर और CI साहब से बोल के उस काम को हम कानून हाथ में नहीं लेना चाहें और CI साहब उनको रुकवाएं और जाके, क्योंकि हम कानून हाथ में बिल्कुल नहीं लेना चाहते। SDM के नाम ज्ञापन है और एक DRM साहब को ज्ञापन है रेलवे में। देखो सर, रेलवे में SDM रेल मंत्री को दे दिया सर, SDM DRM साहब को दे दिया, IN साहब को दे दिया, JN साहब को दे दिया सर, तहसीलदार सब जो अधिकारी है सबको हमने दे दिया। ठेकेदार को जमीन नहीं मिलने के कारण उसमें लिखित रूप से कहीं भी किसी भी ऑफिस में उसने ये सूचना नहीं दी, ना ग्राम पंचायत को दी या तहसील में,
कि मेरे कार्य में मुझे पर्याप्त जमीन नहीं मिल रही है या कोई तरीके की बाधा आ रही है। कहीं भी लिखित रूप में ठेकेदार ने कोई सूचना नहीं दी, बाकी उसके इच्छा अनुसार तानाशाही शासन से उसको जो अच्छा लग रहा वो किया सर। उसके सर ड्रॉइंग बनाते समय उसने ना तो पोल को देखा सर, और ना ही उसने, एक सरकारी बोरिंग है, सरकारी बोरिंग आ रही है वो आ रहा, उसको भी ग्राम पंचायत ने अपने स्तर से हटवाया क्योंकि वो बीच रास्ता मारा, तो उसने ग्राम पंचायत ने उसको हटवा के भाई लाइफ टाइम के लिए काम है तो उसको बोर को हटवा दिया, उसकी मोटर को हटवा दिया और टंकी को हटवा दिया। उसके बावजूद एक 11,000 पोल आया, 11,000 लाइट का, उसको भी हमारे ग्राम सरपंच साहब ने घूम फिर के और 6825 रुपये की रसीद कटवाई है जो हमारे पास मौजूद है सर। और उसको अब ज्ञापन SDO साहब को दिया जा रहा है जी सर। SDO साहब को हम ज्ञापन देने आए, पूरा गांव आया और यह टाइम सर हमारी खेती बाड़ी चल रही है, ऊपर इंद्रदेव की ऐसी हो रही है कि डेली बरसात हो रही है हमारे बाजरे फसल, क्योंकि गांव पूरा मलग रहा है, ये डेली इनके पीछे घूम रहे अधिकारी, हमने फुटबॉल बना रखा तहसीलदार के एक्सचेंज साहब से लिखा के लाओ, एक्सचेंज साहब कहता है साहब से लिखवा के लाओ रेलवे वाले, और फिर कहते हैं कि क्या आपको जगह, कोई भी हमको हमारा काम नहीं हो रहा, फुटबॉल बना रखे सर, इधर से टप्पा मारा इधर, इधर से टप्पा मारा इधर, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, आम आदमी के लिए, आम आदमी का निर्माण कार्य। सरपंच साहब अब क्या कार्रवाई की जा रही है, ज्ञापन देंगे सर? SDO साहब को ज्ञापन दिया दे जा रहा है, उसमें कार्रवाई के लिए यही है कि उस कार्य को अभी यथास्थिति में रोका जाए, उच्च अधिकारियों की मापदंड अनुसार कार्य किया जाए, उसकी जांच की जाए पूर्ण तरीके से, और जो भी उसमें गलत हुआ है उसको भी सुधार किया जाए, और आने वाले गांव वालों को भविष्य है, एक ही आम रास्ता है, और इसको भी आज इस तरीके की घटना हो जाएगी, इसमें किसी का आवागमन नहीं होगा, ये किसानों का गांव है, इसमें कई तरह की लोडिंग वाहन आते हैं, शहर के मोड़ने का जोड़ा का हुआ एक ही मुख्य रास्ता है, और इसमें भी इस तरीके के चार गाँव इससे जुड़े हुए हैं, तो ये रास्ते से इसमें मापदंड के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, उसमें लोडिंग वाहन किसी भी प्रकार से आवागमन नहीं हो सकता, और हमारी SDO साहब से और सबसे यही निवेदन है कि इस कार्य को रोका जाए और जल्द से जल्द मापदंड अनुसार ठीक तरीके से कार्य किया जाए, जो ठेकेदार की तानाशाही है उसको खत्म करके सही ठीक तरीके से कार्य करवाने का सुनिश्चित करें, यही हमसे निवेदन है।